अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ नईम। आज हम बनाएंगे मटन नमकीन रोश। नमकीन रोश बहुत मज़े की रेसिपी है, आप बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। बहुत इजी है बनाना, बेसिकली पेशावर की रेसिपी है ये, पेशावर में बनती है मटन नमकीन रोश। इसमें सबसे पहले हमें मटन लेना है और ये इसका फैट भी है, फैट भी यूज़ कर रहा हूँ, 1 kg है। ये देखिए अगर स्लाइस में बड़े बड़े रखवाए हुए हैं मटन लैम रोश। 2 tomatoes हैं, ग्रीन चिली, अनियन, पोटैटोज और जिंजर, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, वाटर। ऑयल में नहीं यूज़ कर रहा, घी नहीं यूज़ कर रहा। सबसे पहले मटन को हमने बॉल में ऐड करना है और 1 tablespoon मैंने इसको सॉल्ट लगाया। अच्छे तरीके से इसको आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद थोड़ा वेट करवाना है, मतलब कि आधा घंटा आपने इसको नहीं बनाना। ये देखिए बहुत इजी रेसिपी है, आप बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको। ये देखिए और ये मैंने पोट लिया है, पोट में मैंने इसको मैंने ऐड कर दिया। ये फैट है, सारा गोश्त को मैंने इसमें ऐड करना है। ये देखिए बहुत इजी रेसिपी है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें। आप इसमें टमाटो स्किप भी कर सकते हैं, टमाटो डालना चाहें नहीं डालना चाहें आपकी मर्ज़ी। मुझे टमाटोज़ का फ्लेवर अच्छा लगता है इसलिए मैंने टमाटो इसमें ऐड किए हैं। और गार्लिक भी आपने इसमें ऐड करना है। गार्लिक में असल में भूल गया था मैं, तो अभी मैं जब इसको कुक करूँगा तो गार्लिक इसमें ऐड कर दूँगा। पूरा जो पूरा बंच होता है ना गार्लिक का, वो ऐड करना है इसमें। ब्लैक पेपर, और मैंने 1 cup पानी डाला है, आपने 2-3 cup पानी डालने और स्लो हीट पे बनाना है। हमें थोड़ी यखनी ज़्यादा चाहिए होगी इसकी। ये देखिए और ये मैंने दम लगा दिया है, साइडों पे इसके आटा लगाऊंगा मैं। ये देखिए ये हीट है इसकी, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको बनाएंगे। बहुत मज़े का बना है। ये देखिए आपने 3 cup पानी डालने हैं इसमें, क्योंकि हमें स्टॉक भी चाहिए, कल ड्राई नहीं चाहिए इसकी वजह से। तो मैंने आटे को अच्छे से बेल लिया, जैसे स्नेक होता है वैसे बना लिया मैंने। अब कवर के साइडों पर लगाऊंगा। ये देखिए और ये मैंने पूरे 2 घंटे के बाद इसे 2 घंटे मैंने पकाया। अब मैं चेक करूंगा हुआ है कि नहीं। अच्छे से आपने और अपने हाथ को बचाना है, स्टीम ना लगे। ये देखिए इसका अरोमा बहुत अच्छा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। गार्लिक मैंने ऐड कर दिया था क्योंकि मैं भूल गया था गार्लिक। ये देखिए टमाटो तो आपने ऐड करने हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ना करें, करना चाहें तो कर सकते हैं। इजी रेसिपी है, कुछ भी इसमें नहीं ज़्यादा स्पाइस डलते। ब्लैक पेपर मैंने ऐड किया और ग्रीन चिली ऑल ऐड किया। ये मैं आपसे मैं डिश आउट करूँगा। मेरे चैनल को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और शेयर भी किया करें, सब्सक्राइब किया करें। काफ़ी लोग चैनल देखते ज़रूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये देखें माशाल्लाह, बहुत सॉफ्ट बना, टेंडर है बिल्कुल। अब जैसे ही आपके माउथ में जाएगा तो बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे आप खाएंगे इसको आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ बनी है। अब पोटैटो में ले रहा हूँ अपने खाने के लिए, आपको मैं चेक करवाता हूँ। ये देखें इसकी यखनी को ही रोश है, ये तो यखनी हमने ज़्यादा रखी थी, मैंने पानी ऐड किया था इसमें जी। ये देखें ये फैट है, बिल्कुल कुक हो गया है, मटन भी कुक हो गया है।
ये देखिए माशाल्लाह, देखिए कितना टेंडर हो गया। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको। ये देखिए इसकी रखनी है, इस पर फ्लेवर बहुत अच्छा है। हमें रोटी बनवाई थी मैंने, ये देखिए ज़बरदस्त, क्या मज़ा आया। ये देखिए फाइनल लुक कुछ चेक करें इसकी, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। थैंक यू सो मच।